ਵਾਪਸ ਲੋ ਵਾਪਸ ਲੋ ਐਨਆਰਸੀ ਵਾਪਸ ਲੋ ਸੀਏ ਵਾਪਸ ਲੋ ਸੀਏ ਵਾਪਸ ਲੋ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨਮਸਕਾਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਧਰਮੇਂਦਰ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਸੇ ਕਲ ਐਲਾਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ ਕਿ ਆਜ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋ 2 ਵਜੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਘਰ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਹੈ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜੋ ਮਹਿਲਾਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 65 ਦਿਨ ਸੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ वो यहां से अमित शाह के घर पर जो है वो जाएंगी, इन्हीं महिलाओं से बात करेंगे क्या हुआ जो है आज पूरी महिलाओं का। कल ऐलान किया गया था आपकी तरफ से कि 2 बजे यहां से जो है आप लोग अमित शाह के घर की तरफ। जी बिल्कुल, हम अपने टाइम के हिसाब से सभी लोग साथ में पीसफुल तरीके से आगे बढ़ रहे थे, हमें पुलिस ने रोक दिया आगे और उन्होंने बोला है कि अभी हम आपकी बात आगे पहुँचाते हैं और आप लोग भी सहयोग कीजिए, हम भी सहयोग करेंगे और इंशाल्लाह कल तक आप थोड़ा सब्र कीजिए, हम आपको जाने देंगे जैसे ही वहाँ से कोई बात आती है। कल तक बात टाल दी है लेकिन आपको यकीन है कि कल भी जो है ऐसा होगा या कल फिर कोई दिलासा दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद नहीं है क्योंकि वो जुमले थे एक तरह से और यही हमें उम्मीद थी कि ऐसा ही हमारे साथ होगा, क्योंकि कल हम जब गए यहाँ थाने पे इंटीमेशन लेकर के परमिशन नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद हमने ये कोशिश करनी की और ये करके दिखाया कि हम ये चाहते हैं कि लीगल वे में लीगल फॉर्म में हमारी बात सुनी जानी चाहिए। जैसे 2 महीने से हम लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि डेलीगेशन आए, अगर डेलीगेशन नहीं आना चाहता नहीं मिलना चाहते तो वो दोनों हाउसेस से अनाउंसमेंट करें लीगली ऑथेंटिक लेवल पर, हमें चाहिए राइटिंग में चाहिए, ऐसा नहीं कि वो आज कह दें और जैसे वो कई बार कह चुके हैं कि हम तो अभी नहीं लाने जा रहे हैं, इससे पहले 10 दिन 1 हफ्ता पहले बोला है उन्होंने पार्लियामेंट में, तो हम ये इसलिए हम कंफ्यूज हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि इसको किस तरीके से हम क्या करें, तो वो डिनाई कर रहे हैं। तो एक तरह से जो है एक तरह से ये इसलिए अमित शाह जी की तरफ से ही कॉल थी और अब अमित शाह जी के अंडर ही दिल्ली पुलिस आती है, उन्होंने ही आपको रोक लिया, इनवाइट किया, उन्होंने हमें रद्द कर दिया आना। देखिए बहुत सीधी सी बात है, तो उन्होंने मना कर दिया आने के लिए हमें कि अब हम नहीं चाहते हैं, अब क्या कर सकते हैं हम लोग क्या करें, हम लोग जो कर रहे हैं लास्ट 64 डेज से हम उस पर कायम रहेंगे क्योंकि वो हमारा राइट है, वो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता है। बिल्कुल ये है। तो आप लोग जो है पुलिस आप जाना चाह रहे थे, पुलिस ने रोक लिया, पुलिस ने रोक लिया, उन्हीं के कहने पे रोका है ना पुलिस ने, पुलिस अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती है ना, उसको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो वही फॉलो करती तो है। पुलिस हमारे आज की डेट में रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं, पुलिस जो है जनता के लिए होती है, गवर्नमेंट के लिए नहीं होती, गवर्नमेंट को बचाने के लिए नहीं होती, जनता की हिफाजत के लिए होती है, वो हमारे रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं अब तो, अब वो हमारी नहीं सुन रहे वो, क्योंकि वो अपने आप को जनता में इंक्लूड ही नहीं करते कि वो भी एक जनता है, वो भी कहीं ना कहीं जनता है, आवाम ही है, भले ही उनकी नौकरी गवर्नमेंट जॉब हो या कुछ भी हो मगर वो भी जनता है, उनको जनता को मारने का कोई भी राइट नहीं है कि आप जनता को डंडे बरसाएं या आंसू गैस छोड़ें या गोली मारें, ये सब आपको राइट नहीं है, ये जब आप यूज करते हैं जब आपको कोई सामने हिंसा हो या सामने क्रिमिनल्स हो, ये क्रिमिनल्स दिख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, बच्चों को मारने में तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे घर में अपने भी बच्चे, आज तुमने किसी के बच्चे को मारा तुम्हारे आगे भी बच्चे, उनको भी कोई दूसरा पुलिस वाला मारेगा? आपको वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ से कोई आ नहीं रहा है, फिर आखिरकार ये मसला हल कैसे होगा? देखिए ये मसला सिर्फ और सिर्फ को बड़े से बड़ा मुद्दा जो है वो डायलॉग से और बातचीत से मसले हल हो जाते हैं, मगर ये है कि अगर सामने वाला मसला हल ही ना करना चाहे तो आप अपना सर फोड़ के मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मसला हल जब होता है जब दो आदमी बात करते हैं, ठीक है आप जितना मर्जी बोलते रहे, सामने वाला न्यूट्रल है बंदा और ये कह रहा है कि मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, तो मैं आपके माध्यम से ये बात बोलना चाहती हूँ कि आप जब जब 1 इंच का नाम लेंगे हम 10 कदम आगे नजर आएंगे आपको, हम आपके हर 1 इंच पे, ठीक है हम 1 इंच पे, आप 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे, आप लीजिए 1 इंच का नाम, हम 10 कदम आपको आगे नजर आएंगे और जहाँ 50,000 लोग हैं वहाँ आपके 1 इंच की स्टेटमेंट पे वो 20,000 लोग नजर आएंगे। आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और वाराणसी में उन्होंने आज फिर से दोहराया है कि हमारे खिलाफ जो है जो हमने फैसले लिए हैं, जाहिर तौर पर उनका इशारा जो है वो सीए की तरफ था कि उसके खूब सारा विरोध उसका हो रहा है, लोग हमारे विपक्ष में खड़े हैं लेकिन हम अपने फैसले के प्रति जो है वो अड़िग हैं और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज वाराणसी में मोदी जी ने एक बार फिर से दोहराया है।
देखिए मोदी जी का तो काम ही है, वो जो ये इतने बड़े बड़े जो कानून वो लेके आ गए हैं रातों रात उन्होंने निकलवा दिए। कोई भी कानून जो होता है ना वो जनता से पूछ के होता है और जनता के हित के लिए लाया जाता है, जनता के अगेंस्ट कोई कानून नहीं लाया जाता। ना जिससे जिससे जनता का हित नहीं है वो कानून किस काम का है, वो उनका पर्सनल हित है उसमें, इसीलिए वो कानून ये लेके आ रहे हैं। मेरी बात सुनो, एक बात, वो विपक्षी जो बोल रहे हैं ना, मैं अपने वो कह रहे हैं कि हम अभी भी अड़िग हैं, वो हमको विपक्षी का नाम दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि हम सब एकजुट होना चाहते हैं। वो हमको विपक्षी क्यों बोल रहे हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या चाह रहे हैं, हम नहीं बटना चाह रहे। वो उन्होंने एक टैग लगा दिया विपक्षी के नाम का, वो क्यों इस तरीके का नाम। और मैं ये उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो रैलियाँ वो हमें परमिशन क्यों नहीं देना चाहते हैं, वो जो हमें रोका है वो क्यों रोका है। परमिशन अगर वो चाहें तो हमें दे सकते हैं। आप गोलियां चलवा रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, देशद्रोही बोल रहे हो, गोली मारो और ये सब बोल रहे हो, उसके बाद भी हम शांतिपूर्वक बैठे हैं ना, हम कोई वायलेंस नहीं कर रहे ना, क्यों हमें परमिशन नहीं दी जा रही है। क्या हमसे बात नहीं करना चाह रहे, क्या वो डर रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, क्या उनके पास कोई आंसर नहीं है, वो आंसरेबल नहीं है क्या, क्यों कर रहे हैं वो इस तरीके से। साफ जाहिर है कि उनका फ्रस्ट्रेशन है, वो बिला वजह अपनी कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे और इतना विरोध के बाद भी हम कायम है, ये कुछ नहीं है, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, वो परेशान है कि करे क्या, उन्हें ईगो आगे आ रही है, इलेक्शन भी अब खत्म हो चुके हैं, अब यह है कि करेगा तो ऐसे ही उलझल उल बयान दे रहे हैं और हम पे प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता प्रेशराइज नहीं होने वाले। बड़ा सवाल ये है कि सरकार की तरफ से ना कोई आ रहा है ना आपको इधर से वहां जाने दिया जा रहा है, फिर ऐसे में हल कैसे होगा। हल तो यही हमारा अनिश्चितकालीन धरना है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और हम बैठे रहेंगे, कब तक नहीं मानेंगे आप। हमने तो अंग्रेजों को घोड़ फेंका है, आप तो है क्या चीज, तो हम तो जारी रहेगा हमारा धरना, डरने वाले नहीं है। आप जिस गलत फहमी में उसे उठा के जितनी जल्दी हो सके भूल जाए और यहाँ पर आइए। चाहे ये दुकानें कितना भी बंद रहे, चाहे आपको अपनी पढ़ाई वो रहे, बिल्कुल धरना जारी रहेगा। मैं बता दूं मैं पर्टिकुलर दिल्ली से नहीं हूँ, मैं हापुड़ से हूँ, मेरी इतनी तबीयत खराब है, हफ्ते 10 दिन से मुझे कोल्ड है, गले में बहुत जबरदस्त इन्फेक्शन है, लेकिन मैं मुसलसल यहाँ पर आ रही हूँ क्योंकि बात वजूद पे आ गई है और ये सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम सबके लिए गलत है, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है ये बिल्कुल। और गरीबों को जब लाइन में लगाएंगे मालदार तो आराम से दिखा लेंगे, मेरे पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो मेरे पेरेंट्स का तो छोड़िए, सबको लाइन में लगा के लगवाएंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट निकालिए वो करिए, क्या ड्रामा है इनका, बिल्कुल नॉनसेंस चीज। जो भी कानून लाते हैं अपनी गोली गोली मीडिया से डिमोनेटाइजेशन लाए, बिल्कुल बेवकूफी भरा इनका वो एक कदम था, रात को 8 बजे सबको इन्होंने बैंक पैसा सब करा दिया और लाइनों में लगा दिया, 99.7% वही ब्लैक मनी आरबीआई का रिकॉर्ड है कि वापस आ गई बैंकों में। तो ये इतनी बेवकूफ़ी भरे हर कदम इनके बिल्कुल नॉनसेंस और फैक्टलेस होते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता कुछ, लेकिन इन्हें आना तो पड़ेगा। अब अपनी गोदी मीडिया से इन्होंने एक बात और स्टार्ट की है बुलवानी, दिल्ली की जनता मुफ्तखोर है, ठीक है उसमें हिंदू मुसलमान तो नहीं है, दिल्ली की जनता को कहां से मुफ्तखोर है, क्या हम एक इरेजर पेंसिल बिस्किट हम कुछ भी खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, जो हमारा हम पैसा अब हेल्थ स्कूल बिजली कुछ भी ले लीजिए हम जो पे करते हैं वो हमें रिटर्न मिल रहा है, वो हमें रिटर्न मिल रहा है ना, फिर कैसे मुफ्तखोर हुई दिल्ली की जनता, क्यों बोलते हैं वो इस चीज को। मोदी जी ने अपनी रैली में बोला था कि मेरे डीएनए में व्यापार है, तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो व्यापारी होता है वो कभी अच्छा शासक नहीं बन सकता है ना, क्योंकि और जो शासक होता है वो कभी व्यापारी नहीं बन सकता। उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट अपने व्यापारिकता पे दे दी कि सबसे पहले उन्होंने लाल किले का सौदा कर दिया, गिरवी रखा उनको, उन्होंने लाल किले को कहां अपने घर से लाए थे लाल किला, वो जो गिरवी रखा उन्होंने, और दूसरी दिल्ली की पहचान हिंदुस्तान की पहचान लाल के जिस पे खड़े होके झंडा फहराते हो भाई आप, उसी को गिरवी रख दिया आपने। दूसरी चीज आपने नोटबंदी करी, जिनका काला धन था उसको सफेद कर दिया, और जो बेचारे मजदूर गरीब दलित उनका जो सफेद धन था उसको काला कर दिया, आधार कार्ड की कॉपी ले लेकर सबका काला धन सफेद करवाया आपने। आपका सेकेंड अटैक जनता पे, यहाँ की आवाम पे, आपका थर्ड अटैक आपने डीएनए का, अपने व्यापारिकता का इतना बड़ा प्रूफ दे दिया कि आप यहाँ की जनता का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना जा रहे हैं, यहाँ की जनता का, जो यहाँ है उसे भगा दो बाहर का ले आओ है, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। आज अब तक हमारी इबादत गाह पे बात आई, हमारी शरीयत में दखल अंदाजी करी, हमारे बहनों भाइयों को कश्मीर में मारा गया, 370 धारा हटाई गया, जैसा मर्जी चाहे आपने किया, मगर आज बात हमारे वजूद पे आ गई है, आप हम जिंदा है या नहीं है इसी पे आपने क्वेश्चन खड़ा कर दिया है, तो अब नहीं होगा, आप बर्दाश्त, या देखो या तो करो या मरो, अब ये सिचुएशन है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप करो या मरो, बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन उधर से सरकार नहीं आ रही है, आपको इधर से जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसे में फिर ये मसला तो अटका ही रहेगा, हल कैसे होगा। जो जिसने इंसान ये आग लगाया जिस्म में, इंसान को खाना पीना से पेट नहीं भरता है,
इंसान को आवाज से पेट भरती है और इंसानियत से पेट भरती है। ये तो आपने जिंदगी में क्यामत बरसा दिया। हिंदू मुस्लिम कहाँ खून में लिखा हुआ है कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, ये ईसाई है। देश तो पहले हमको आजाद हो चुका है, हाँ? अब कहाँ देश आजाद होगा? हमारा सीना अभी भी जिंदा है। अब मरने के लिए तो मुसलमान हमेशा कफन बांध के चलता है। ईमान वाला कभी झुकता नहीं है न झुकेगा कभी। सच्चाई छिप नहीं सकता बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। लेकिन यही आरोप लगाया जा रहा है, जिस तरह से आप जो है, जिस अंदाज में और जिस बेबाकी से आप बोल रही हैं, जिस जोश के साथ आप बोल रही हैं, तो इसीलिए ये यही आरोप लगा रहे हैं मोदी जी कि आप लोगों को जो है भड़काया जा रहा है, उनके खिलाफ जहर भरा जा रहा है। जहर वो भर रहे हैं, हम नहीं भर रहे हैं, मोदी जी भर रहे हैं, हम नहीं भर रहे हैं, हम नहीं भर रहे हैं ना। हमारी तो कितनी जहर को अपने मोहब्बत से मिटा दो ना आके, वो जो जहर भरा गया है अपनी मोहब्बत से आओ मिटाओ आके। अगर पांच बेटा है हमारे पास तो पांचों को प्यार देंगे कि नहीं देंगे? पांचों हमारे लिए बराबर है कि नहीं? हमारा देश हिंदुस्तान पहले आजाद हो चुका है, क्या मत उसने बनाया? तो उसे प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए कि खून चाहिए? हम इसे जवाब पूछते। अगर उसे डर नहीं होता तो हमारे ये इनकलाब के इतना खून नहीं बहता, परेशानी नहीं होता, हमारे स्कूल जाने में परेशानी होती, आने में हमारी तबीयत खराब है। तो उसे देखना चाहिए, अपने उंगली काटो कितना दर्द होता है, उस तरह दूसरों को उंगली काटने में उतनी ही दर्द होता है। लेकिन मोदी जी ने तो आज वाराणसी में फिर से कह दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। पीछे क्यों नहीं हटेंगे? उसे हटना पड़ेगा, उसे हटना पड़ेगा। सच्चाई छुप नहीं सकती, हम फिर एक बार कह रहे हैं, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, नहीं आती है। देखिए ये बुराई जो है वो कितना भी ताकतवर हो, मगर सच्चाई के सामने एक दिन उसको सिर टकना पड़ेगा, टकना पड़ेगा, टकना पड़ेगा, टकना पड़ेगा। पहले ये हमें इनविटेशन देने से पहले 10 बार सोच लेते, 10 दिन सोच लेते, फिर इनविटेशन देते। आपने एक बार बोला कि आप आइए और हमसे बात करिए, हम बेचारे यहाँ तैयार हो गए, निहत्ते बेचारे, हम बेचारे ही लोग हैं, हम बेचारे ही लोग हैं, तो हम यहाँ तैयार होकर जाने लगे। तो उन्होंने अपनी पुलिस को जो है बोल दिया कि ले भाई तुम डंडे लेके खड़े हो जाओ, जो निकले उसको बचा दो। आपको लग रहा है कि इतना आसान था कि आप लोग इधर से जाएंगे वो लोग उधर से? हमने आसान ही समझा, क्योंकि हम कानून के अंदर रह के जो काम करते हैं वो आसान ही होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ काम होते हैं वो आसान ही होते हैं। ये तो मुश्किल बना रखी है इस बीजेपी सरकार ने, क्योंकि वो कानून के खिलाफ चलती है, इसलिए उसे कानून पसंद ही नहीं है। जो लोग कानून के साथ रह के काम करते हैं तो उनको कानून पसंद नहीं आता है। जिसके अपने गिरेबान में ज्यादा छेद होते हैं ना, तो उसे सामने वाला वैसा ही दिखता है। हम साफ सुथरे लोग हैं तो हमें वो लोग साफ सुथरे ही दिखते हैं कि वो हमसे मिलेंगे, हमसे मुलाकात करेंगे। देखिए, नफरत को सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से बदला जा सकता है, और यहाँ शाहीन बाग में इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, जो यहाँ एक बार आ गया वो यहाँ से यही गाँव के रह गया। मुझे तो डर है कि अमित शाह मोदी जी जिस दिन यहाँ आ गए वो अपने ही कानून के खिलाफ यहाँ धरने पे बैठ जाएंगे। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि मोदी जी जो है ना देश, मोदी जी तो ये कहते हैं कि मुसलमानों से जो है पूरा विश्व के जो है मुसलमान जो है उनको सम्मान इतना कर रहे हैं, उनसे प्यार इतना कर रहे हैं, सऊदी में जो है उनको सम्मानित किया जाता है, इसलिए जो है यहाँ पर हिंदुस्तान में जो विपक्षी जो पार्टियां हैं वो डर गई है कि कहीं मुस्लिम भी जो है वो मोदी जी के साथ ना जाए, इसीलिए मुसलमानों को मोदी जी के खिलाफ जो है भड़काया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। अच्छा ठीक है, मैंने मोदी जी की बात मान ली। एक बात बताइए, एक घर है, एक परिवार है, जैसे हिंदुस्तान एक परिवार है, हर तरह के लोग वहां रहते हैं, आपस में खिटपिट होती है, आप है, आप अपनी माँ से पैदा है, आपको अपनी माँ से ज्यादा कौन प्यार कर सकता है? कोई विदेशी औरत प्यार करेगी आपको क्या? नहीं कर सकती। जो प्यार आपको आपकी माँ देगी या आपको आपका बच्चा देगा, ठीक है, वो प्यार आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता। वही रीजन है, जब जिसका घर होता है ना, घाट होता है ना, वो यही करता है। एक चीज कहना चाहेंगे, जो आपने सवाल किया है, आपने कहा है कि अभी रिपीट करेंगे आपके, मोदी जी ने कहा कि देश भर जो पूरे विश्व के मुसलमान है वो इनसे मोहब्बत, मोदी जी से इतना मोहब्बत करने लग गए हैं, इसलिए जो यहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो डर गई हैं कि कल को जो ये चचा, मुस्लिम चचा जो है वो भी उनके साथ आ जाएंगे, तो फिर उनके पास बचेगा क्या? इसलिए इनको भड़काने के लिए यहाँ शाहीन बाग खड़ा किया। विपक्षी पार्टियों का तो यहाँ के लोगों को इतना समझ में आ रहा है, आपका क्यों नहीं समझ में आ रहा? आप भी तो कुछ कोशिश करिए ना कि आपका भी समझ में आए। पार्टी में रूलिंग पार्टी तो आप है, विपक्ष तो नहीं है, वो तो अपोजिशन में है, तो रूलिंग तो आप है, आप आइए। आप अपना एतमाद क्यों, बिल्कुल विश्वास क्यों अपना डामाडोल कर रहे हैं? कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, आप बनाइए ना अपना विश्वास, के आप पे भी यकीन करे यहाँ की आवाम। आप ये क्यों कह रहे हैं विपक्ष पे हर चीज इल्जाम, विपक्ष पर भाई सत्ता में तो आप हैं, सवाल जवाब तो आपको करने हैं। आप डटे रहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल डटे रहेंगे, बिल्कुल हम नहीं हटेंगे एक ही
इंच पीछे, हम 10 कदम आगे बढ़ेंगे हर एक इंच की बात पे। तो देखिए यहाँ पर जो शाहीन बाग की जो महिलाएं हैं वो साफ तौर पर कह रही हैं कि सरकार ने जो है अपनी ही तरफ से उनको पैगाम भेजा था कि आप आइए हमारे साथ में बातचीत करिए और जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी आपका कन्फ्यूजन है, उनको हम दूर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज जब शाहीन बाग के जो ये लोग हैं, शाहीन बाग की जब ये महिलाएं हैं, यहाँ से अमित शाह के घर पर जाने के लिए तैयार हुई तो पुलिस ने इनको रोक लिया। अब प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस यहाँ पर आज रोक रही है, कल अगर अनुमति देगी तो कल सही, परसों देगी तो परसों सही, और जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तब तक शाहीन बाग जिंदाबाद है, शाहीन बाग में ही वो लोग डटे रहेंगे और शाहीन बाग से ही लोग जो है वो प्रदर्शन जारी करते रहेंगे। आखिरकार बड़ा सवाल यही है कि सरकार उस तरफ से अपने आप को जो है अपना कोई प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर भेजती है या शाहीन बाग से किसी प्रतिनिधि को बुला करके वहाँ पर बातचीत करती है, क्योंकि मसला बातचीत से ही सुलझेगा और शायद सभी लोगों की मंशा यही होगी यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की भी और उधर सरकार की भी कि ये मसला खत्म हो और लोग अपने काम धंधे पर दोबारा से लोगों की जो जिंदगी है वो दोबारा पटरी पर आ जाए, सभी की मंशा यही होगी। लेकिन ये होता कब है यही सबसे बड़ा सवाल है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी